ये ईमान मंजूर है क्योंकि हमको बड़ाई मंजूर नहीं है, हमको तुमको बड़ा बनाना मंजूर है, मेरी बड़ाई तो है। एक साल तक कुछ नहीं खाया, एक साल तक कुछ नहीं खाया, रात भर खड़े रहते तहारी गुजारी हो रही है, कैसे ज्यादा से ज्यादा हाफिले कुरान थे, हाफिले कुरान थे, खर्चा चल रही है। पीछे खड़े हुए इस डर से, एक साथ से देखा है और बात हो रही है, कहीं ऐसा हो जाए ना हाथ से गिर न जाए, तो आप पीछे खड़े हुए फिर मतलब हिम्मत करके बोले हवा जान कुछ खा लीजिए। वो अल्फाज शाह गुलाम ने कहे जो अल्फाज मेरे मऊ ने कहे थे, शाह गुलाम ने क्या देखा होगा जो ये उन्होंने अख्तियार किया, तो मेरे मऊ दरअसलम जब भी कुछ खाते नहीं थे, मीठे रात में खड़े रहते थे। एक मरतबा जब सात साल का अर्सा हुआ, फिर उसके बाद जब कुछ थोड़ा सा ही पता होने लगा, तो मीठे रात ने पूछा था कि मीरा जी कुछ खाओ तो रिजा खाओ, पेट में जाएगी तो कुछ उबर पैदा होगी, तो मेरे सामने उसको पूछा था दीदी उबर चाहिए या फूल चाहिए, फूल चाहिए या उबर चाहिए, फूल खाते भी है तो उबर के लिए, आपको जब बगैर खाए कि अल्लाह उबर दे रहा है तो फूल की क्या करना है। से पूछा कि उबर चाहिए या फूल चाहिए, सच्ची बात होता हूँ कि हम जैसों के लिए फूल हमारी कुबत है, अल्लाह वालों के लिए अल्लाह ताला की नजर करम की उनके कुबत है। उनकी उम्र नजर से जो उनकी उम्र होती है वो क्या होती है मालूम आपको, नहीं तो फिर चलो मुसाफिर उठा जाएंगे तो कहेंगे कि नजर खुदाबंदी की क्या क्या उम्र है, नजर खुदाबंदी की यह उम्र है कि पहाड़ डर गया और मूसा बेहोश हो गए थे। ये हमारी उम्र है, ये उसकी उम्र है। जब 12 साल के जज्बे में इतनी दरियात हो रही है कि फैसला फरमाते हैं कि उसमें क्या अगर एक दर्रा भी पड़ जाए पायब इस पर नबी के मुसल पर मलक के मुकर्रम पर तो कसम खुदा की कयामत तक उनको हो जाएगा। तो लेना है अंजाम के एक साल तक कर रहे और फिर बराबर होगा मौजूद तो वहाँ खोज की कमी नहीं होती, खोज की वजह से कोई कमी पैदा नहीं होती, वहाँ जो है कुत की जरूरत होती है। और जब अल्लाह ताला की नज़र कुत खुद बन जाती है तो उस पर कुत का पैदा होना मुमकिन हो जाता है। करते थे आपने देखा चंद हिंदू पूजा कर रहे हैं एक देवल में, पूरा देवल और देवल के बुद्ध जो बड़ा था इसकी पूजा करते थे तो सोने का हो गया, तो वो जो पूछते थे वो टुकड़े करने लगे
चाय के लिए, सोना के लिए, सब के सब टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। हम तो ज्यादा नहीं, हम तो ज्यादा दे रही है, तो सोने बन गया है, पत्थर का था बहुत कुछ देते, अब सोने का बन गया है, सब कुछ छोड़ रहे हैं। मेरे सामने बनाया कि ये है इबादत, ये है इबादत। आज भी हमारे पास ऐसी इबादत चल रही है, पैसों के लिए इबादत हो रही है। जहन में खुदा भी है, नाम है खुदा जबान पर है, नाम है रसूल जबान पर है, नाम है मेहदी जबान पर है, और दिल में किसकी पूजा हो रही है? ऐसे ही होगा। इसीलिए मालदारों के साथ एक शुरू, गरीबों के साथ एक शुरू। गरीब मुतकिब हो रहा है, इसलिए उसको उसको नहीं डरते। मालदार कहता है वो मजहब जो आप मेहदी का बोलते हैं वो मजहब आपको पसंद नहीं है, तो क्या है आपको पसंद? हमको इजाजत दो, हम बाहर रहते हैं, लहरों के पीछे नमाज पढ़ने की जरूरत आती है, तो हमको इजाजत दो, हम पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं है, पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं, मान लिया है हमारा। बल्कि ये कह देते हैं मेहंदी मैंने पढ़ा है, बल्कि मेरे सामने भी नमाज पढ़ी है, यार मुझे पढ़ी है, कोई बात नहीं, ये समझते नहीं अंदर, हम नहीं समझते भाई, समझते क्योंकि हम जो लोग हैं हमारे ये 5-10 वाले हैं, और कोई बात नहीं ज्यादा 500 है, तो ये मतलब चलेगा वो मतलब चलेगा क्या? देखो खुदा की इबादत खुदा के लिए पूछता है, और वही तो तोड़ते हैं। फिर आपने जब देखा मंदिर तो ऐसा देख लिया, फिर आपने अगर भोजा पत्थर का तो फिर वो पत्थर का हो गया। अरे इनकी इशारों पर, इनके लफ्ज जबान में जो निकलता है उस पर सारी मखलूक उनके हुक्म मानने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि वो खुद पे नहीं थे, वो मकाम पर पहुंच जाते हैं। मैं कहाँ पहुंचते ही शरीयत मुझे रोक देती है, मैं बोल नहीं सकता, मगर जिसने पैदा किया जब वही हुक्म दे तो वो चीज क्या करेगी? हो जा वो भी पत्थर क्या है सोने का हो जा तो सोने का हो जाएगी। अल्लाह जो कहता है कुन फयकून हो जा तो हो जाता है, पर कहने वाले को भी होना चाहिए। और ईमान नहीं होगा तो अमल भी छोड़ा नहीं जाएगा।
अल्लाह खुद कहता है हम तो वजन पर रहने वाले पे ही तराजू में चढ़ाने वाले पे ही सेफ्टी प्लान पर जो सब सेफ रखे हुए हैं। आम के जमाने में तो आप देखते हैं उन्हें भी जमाते हैं, दो दो के दर्जे जमाते हैं, तीन तीन के दर्जे जमाते हैं, बिल पर अच्छे जमाते हैं, लगाया जाता है वो उसकी पेटी के नीचे रखे थे दाँत के नीचे रखे रहते हैं उन्हें तराजू में नहीं रखता। जब उन्हें खुद नहीं रखता तो अल्लाह अपने आमाल के हमारे आमाल क्या रखेगा। राम मुझे को न हुकुम वजन अल्लाह कहता है उनको तो हम वजन पर तराजू पर चढ़ाने वाले ही नहीं और ये लोग निरुपय भरोसा कर रखे हैं उस पर भरोसा कर रहे हैं बेचारा कराने वाला नहीं है। खुदा हमको ईमान और अकीदत अता फरमाए और खास तौर पर मुजर दीन पर भाई किराम के काम से अपनी जबान को बहरी मत करो। पता नहीं किस वक्त कौन सा वली कौन सा खलीफा किस हाल में है जरा उनके दारों से बुरा करेंगे तो उसका असर हमारी जिंदगी का बवाल बन रहा है। अल्लाह तौर से हम बता रहे सही अकीदत अता फरमाए।